ਪਾਸੇ ਪਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਲੈ ਚਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਪਾਪਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਿਓ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਆ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਾਰਨ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ अन्य जाति लोग तो परमेश्वर के दासों के खिलाफ खड़े होते ही आज कई बार दास दासों के प्रति क्या करते हैं क्या करते बोलो ये सब कुछ पता क्यों होता है जब वचन की अच्छी तरह से नॉलेज नहीं होती क्यों लोग अपने मुंह से ऐसी बुराई करते हैं दाऊद ने ऐसा पाप क्यों नहीं किया जबकि उसके साथ उसने इतना बुरा बर्ताव किया तुम सोच लो उसे कितनी बार उसने भाले से उसे मारना चाहा भाला मतलब समझ नहीं जिन्होंने अपना पंजाबी च उकी किन्नी है नेजा हां बोलो क्या कितनी बार उसे मारना चाहा उसके अंदर जरा भी जितनी नफरत नहीं थी उसके अंदर जरा भी जितनी बोलो क्या थी जरा भी जितनी उसके प्रति जरा सा भी उसने मन नहीं खराब किया कि इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया बोलो कितनी बार उसने मुझे मारना चाहा यहां पे चंद बातों को लेकर लोग क्या करते हैं एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं समझ आ रही ये पता क्यों होता है क्योंकि ज्ञान नहीं जब ज्ञान होगा तो वो डर डर रखेगा क्या रखेगा बोलो अब दाऊद के अंदर ज्ञान था किसका किसका वचन क्यों उसने अपने साथियों को मना किया ये यहोवा का अभिषिक्त है उसने उसकी बागे की शोर का कपड़ा काट लिया लिखा बाद में उससे भी वो पछताया बोलो क्या कर रहे हैं उससे भी वो पछताया कई बार लोग एक संगति से वहां जाकर खिलापित करते हैं क्या करते बोलो एक संगति से वहां गए तो वो खिलापित करेंगे खिलापित अगर हम पहला शमूएल पढ़ें हम एक वचन को थोड़ा देखेंगे 21 से 1 से पढ़ते हैं लिखा तब दाऊद नोब को गया और अहीमलेक जाजक के पास आया और अहीमलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला उस और उससे पूछा क्या कारण है कि तू अकेला है तेरे साथ कोई नहीं बोलो क्या है तेरे साथ कोई नहीं पर जो अहीमलेक जो जाजक था इसे कुछ पता नहीं था कि ये दाऊद क्यों आया है और क्यों अकेला आया है क्यों आया है बोलो क्यों अकेला आया है क्योंकि ये अहीमलेक जानता था कि दाऊद तो शाऊल का दामाद हो गया है क्योंकि उसने अपनी एक बेटी की किसके साथ शादी कर दी थी तो उसने कहा तो अकेला क्यों आया है उसे कुछ पता नहीं है बोलो क्या है उसे कुछ पता नहीं कुछ भी पता नहीं है जब उसे भूख लगी अगर हम 5 पढ़े तो उसने कहा मेरे पास तो कोई रोटी नहीं मेरे पास तो सिर्फ पवित्र रोटी है जो जाजकों को सिर्फ खाने के लिए जाजकों के अलावा कोई दूसरा नहीं कोई खा सकता था क्या नहीं खाया था बोलो पर उसने फिर भी उस रोटी को खाया क्योंकि उस समय उसकी जरूरत थी जबकि जाजकों के अलावा उस रोटी को कोई नहीं खा सकता वो रोटी थी जो परमेश्वर की वेदी के सामने उस तंबू में जो परमेश्वर का संदूक था वहां पे रखी जाती थी कितने मेरी बात समझ रहे हैं आज थोड़ा सा वचन क्या है डीप है थोड़ा डूंगा है ध्यान से समझो पर जब अगर हम इसकी साथ पढ़ें तो लिखा उस दिन वहां दोइग नाम एक शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था और अदोमी था और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था और उसने जाकर शाऊल को जाकर बता दिया कि दाऊद कहां पे है बोलो क्या है दाऊद कहां पे है अगर हम इसकी 11 पढ़े 22 की लिखा तब राजा ने अहीतूब के पुत्र अहीमलेक जाजक को और उसके पिता के समस्त घराने को अर्थात नोब के रहने वाले जाजकों को
बुलवा भेजा और जब सब के सब शाऊल राजा के पास आए तब शाऊल ने कहा ही अहीतू के पुत्र सुन। वह बोला ही प्रभु क्या आज्ञा है। शाऊल ने उससे कहा क्या कारण है कि तू और यीशु के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है। तूने रोटी और तलवार दी, क्या दी बोलो, और उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी जिससे वह मेरे विरुद्ध उठे और ऐसा घात लगाए जैसा आज के दिन है। अहीमलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है, वह तो राजा का दामाद है और तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता है और तेरे परिवार में प्रतिष्ठ है। क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है, वह मुझसे दूर रहे। राजा ने तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए ना मेरे पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा दास इन सब बातों के विषय में कुछ भी नहीं जानता। राजा ने कहा हे अहीमलेक तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। सुनो ध्यान से, क्योंकि जब दाऊद वहां पे था तो उसका एक दोएग नाम कर्मचारी था जो अदोमी था। बोलो क्या था, लिखा जो शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। बोलो क्या है, शाऊल के चरवाहों का वो मुखिया था। चरवाहे समझते ना, जो भेड़ों बकरियों को चराते उनके ऊपर था। तो वो भी वहां पे वो गया हुआ था। बोलो क्या था, वो भी वहां पे था परमेश्वर के उस तंबू के भवन के पास। जैसे आज आप कहां पे किसके भवन में आए हो। तो जब अहीमलेक से जब वो गया तो उसने उससे कहा मुझे भूख लगी रोटी दे, तो उसने कहा मेरे पास तो सिवाय इस पवित्र रोटियों के अलावा जो परमेश्वर के संदूक के सामने रखी जाती और कोई नहीं। तो वो सब बातें सुन रहा था और उसने जाकर किसको बता दी, फिर शाऊल ने। बोलो क्या, अहीतूब के पुत्र जो अहीमलेक था अपने पास बुलाया, उसने कहा तूने मेरे साथ राजद्रोह किया है, मेरे विरुद्ध गोष्ठी की, राजद्रोह की। तूने उसे रखा, उसे खिलाया पिलाया, तूने उसे तलवार भी वो दे दी है। हाँ, तूने मेरे साथ क्या किया, राजद्रोह की गोष्ठी की, अब तू और तेरा समस्त घराना मारा जाएगा। उसने कहा तेरा दास आज तक ऐसे कोई भी तेरे दास के जीवन में तेरे प्रति तेरे राज्य के प्रति कोई दोष पाया गया, तू बताओ। उसे वो अपनी सफाई दे रहा, तेरा दास इसके बारे कुछ भी नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता कि वो क्यों आया, क्यों भाग कर आया है। कहता मुझे कुछ नहीं पता। फिर भी अगर हम आगे पढ़े तो शाऊल ने, बोलो क्या है, अगर हम 17 पढ़े तो फिर राजा ने उन पहराओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी मुड़ो और यहोवा के जाजकों को मार डालो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया। कहता जब दाऊद यहां से गया तो इसने मुझे बताया नहीं है कि ये वहां आया था और वो भाग गया। परंतु राजा के सेवक यहोवा के जाजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना ना चाहते। तब राजा ने दोइक से कहा तू मुड़कर जाजकों को मार, वही बंदा दोइक जिसने आकर उसे बताया। तब राजा ने दोइक से कहा तू मुड़कर जाजकों को मार डाल। तब एदोमी दोइक ने मुड़कर जाजकों को मारा और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को उसने घात किया और जाजकों के नगर के नोब को उसने स्त्रियों पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीते बैल गधे भेड़ बकरियां समेत तलवार से मार डाला। सोच लो दाऊद ने दाऊद के प्रति कितना बड़ा पाप कर दिया। परमेश्वर की वेदी की सेवा करने वाले 85 जाजकों को मार दिया, जैसे मैं भी एक जाजक की सेवा कर रहा हूं। कितनों को मार दिया, 85 लोगों को मार दिया।
और साथ में उनके नगर में जाकर उनकी स्त्रियों को, बच्चों को, गायें, बैल, बैट सबको मार दिया। कितना बड़ा पाप किया उसने। चलो थोड़ा आगे देखते हैं। अभी आप समझ जाओगे, मुझे पता अभी आप समझ नहीं रहे कि ये क्या स्टोरी है। बोलोगे आप समझ नहीं रहे हो तो उसका 24 पढ़ते हैं। 24 की एक में लिखा, जब शाऊल फिलिस्तियों का पीछा करके लौटा तब उसको ये समाचार मिला कि दाऊद एन गदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त राजी इसराइलियों में से 3,000 को शांत कर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोसने गया। जब वे मार्ग पर था, जब वे मार्ग पर के भेड़ शालों के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोने में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा है, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा, तू उससे मन माना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की शोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की शोर काटने से पछताया। वे अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे मैं अपने प्रभु से यहोवा का अभिषिक्त है। बोलो क्या है यहोवा का? अब शाऊल को कह रहा है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। सुनो, जब शाऊल मारने के लिए दाऊद को लिखा, बोलो क्या, उन पहाड़ों में पहुंच गया बनेले बकरों की तरह, बोलो क्या ना, तो वो पहुंच गया उन पहाड़ों पे 3,000 लोगों को लेकर, और एक गुफा थी, पता चला वो वहां होगा। उसके अंदर चला गया, उसके अंदर बड़ा अंधेरा था, बहुत जैसे कहते ना बड़ा गूढ़ा अंधेरा, क्या था बोलो, उसके अंदर अंधेरा था, अंधेरा, क्या था बोलो, उसके अंदर अंधेरा था, अंधेरा, इतना अंधेरा था कि एक बंदा यहां खड़ा है, एक बंदा यहां खड़ा है, इतनी दूर से भी उसे नजर नहीं आएगा। पर वहीं पे दाऊद और उसके जन, उसके जो साथी थे, उस गुफा में छुपकर बैठे थे। जब उन्हें पता शाऊल अंदर आया तो उसके साथी कहते हैं, देख ये वही समय है जो परमेश्वर ने तुझसे कहा है, एक दिन मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा, आ ये समय, उसे उठ और मार। तो उसने छिपकर उसके बागे के, उसके कपड़े की शोर को काट लिया। पर लिखा बाद में उससे भी वो पछताया कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो यहोवा का एक अभिषिक्त है। क्या है बोलो? यहोवा का एक अभिषिक्त है। वो उससे भी पछताया। उसने अपने साथियों को मना किया, उठकर उस पर आक्रमण, मतलब हमला नहीं करना, उसे मारना नहीं है, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। अन्य जाति लोग तो परमेश्वर के दासों के खिलाफ खड़े होते ही। आज कई बार दास दासों के प्रति क्या करते हैं, क्या करते हैं बोलो? ये सब कुछ पता क्यों होता है? जब वचन की अच्छी तरह से नॉलेज नहीं होती। क्यों लोग अपने मुंह से ऐसी बुराई करते हैं? दाऊद ने ऐसा पाप क्यों नहीं किया, जबकि उसके साथ उसने इतना बुरा बर्ताव किया? तुम सोच लो, उसे कितनी बार उसने भाले से उसे मारना चाहा। भाला मतलब समझे, जिन्होंने अपा पंजाबी च उकी किन्नी है नेजा, हां बोलो क्या, कितनी बार उसे मारना चाहा, उसके अंदर जरा भी जितनी नफरत नहीं थी उसके प्रति, जरा भी जितनी नहीं, बोलो क्या थी, जरा भी जितनी नहीं उसके प्रति, जरा सा भी उसने मन नहीं खराब किया कि इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। बोलो कितनी बार उसने मुझे मारना चाहा,
यहाँ पे चंद बातों को लेकर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, समझ आ रही? ये पता क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान नहीं। जब ज्ञान होगा तो वो डर डर रखेगा। क्या रखेगा बोलो? अब दाऊद के अंदर ज्ञान था। किसका? किसका वचन था? क्यों उसने अपने साथियों को मना किया? ये यहोवा का अभिषिक्त है। उसने उसकी बागे की शोर का कपड़ा काट लिया, लिखा बाद में उससे भी वो पछताया। बोलो क्या कर रहे हैं? उससे भी वो पछताया। कई बार लोग एक संगति से वहां जाकर खलापित करते हैं। क्या करते हैं बोलो? एक संगति से वहां गए तो वो खलापित करेंगे। खलापित, हाँ लो जी वो ऐसा सा ऐसे करते थे जी, वो ऐसा करते थे। हाँ, यहां पे एक बहन रहती थी, हमने उसकी हेल्प की। क्या की बोलो? हमने उसकी हेल्प की। हेल्प तो वो मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाने लगी। क्या लगाने लगी? मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाने लगी, ये हमें खाने को नहीं देती, मैं तो भूखी मर गई, ये वो कुछ ऐसी फैमिलियों को कहने लगी। एक बहन थी पिछले दिनों में, जो मैं भी शायद मुझे याद नहीं पक्का, इंग्लैंड से थी कि कनाडा से थी। बोलो क्या थी वो? उस बहन को पता नहीं वो कितने सालों से विश्वास करती थी, उसका हाथ जो सीधा नहीं होता, बड़े सालों से उसमें दर्द रहती थी उसकी बाजू में। परमेश्वर से यहां जब आई तो फ्री कर दिया। क्या कर दिया बोलो? जिवें कहिंदे ना, चुकना पत्थर पार दिंदी है, पंजाबी च एक कहावत है। चुकना एक ऐसी चीज है। क्यों ऐसे कहते? पता नहीं उसने मेरे प्रति क्या कुछ बोला। वो कभी भी उसने हमसे फोन से भी बात नहीं की, कभी इधर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने ऐसी बातें उसके जीवन में बो दी। क्या बो दी बोलो? इसलिए अगर आपसे कोई भी यहां से कोई कुछ ऐसे कहता है तो सबसे पहले मिलना, अपनी बुद्धि ना लगाना। क्या ना लगाना बोलो? अपनी बुद्धि ना लगाना। जैसे उस बहन ने अपनी बुद्धि लगाई तो 2 महीने खराब किए। किए कि नहीं किए? कई बार होता है ऐसे, कुछ लोग इधर से उठकर उधर की बात करते हैं और पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं। हो सकता है यहां से कल को कोई उठे इधर उधर शैतान उसे कर दे, वो मेरे प्रति करें, कहीं और फैमिलियों को भी क्या करें। ऐसे होता, मैंने देखा। तो ऐसे कभी मत करना, क्योंकि ये शैतान का सबसे बड़ा प्लान है तुम्हें श्रापित करने के लिए। अब दाऊद के अंदर वचन था, जबकि दाऊद जानता था कि शाऊल ने मुझे कितनी बार मारना चाहा, फिर भी उसने, उसके अंदर वचन था, उसने कहा नहीं, ये यहोवा का अभिषिक्त है। बोलो क्या है? ये यहोवा का अभिषिक्त है, ये परमेश्वर का मसा किया हुआ जन है, मैं इस पर कोई तलवार नहीं चलाऊंगा। बोलो क्या चलूंगा? कितने मेरी बात समझ रहे? तो इन चीजों को ध्यान में रखना, क्योंकि शैतान बड़ा शातर है। इसलिए आज परमेश्वर ने आपको एक प्रोफेटिक वर्ड दिया है उसके वचन और ज्ञान में बढ़ने के लिए। कितने लोग चाहते बढ़ना? क्योंकि जितने लोग बढ़ेंगे उतने ही लोग जीवन पाएंगे। ठीक है, हम तेल पानी के लिए बोलते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते। मैं बोलता हूं कि जो यीशु मसीह ने टीचिंग दी, क्या दी बोलो? जो यीशु मसीह ने टीचिंग दी, जब चेले गए तो उसने कहा कोई कपड़ा, कोई लाठी, कोई बटुओं में पैसा, रुपया, तांबा ना रखना। तो वो क्यों चीजें देगा? एक जगह लिखा वो रोगियों को तेल मरकल चंगा किया, क्योंकि गुड न्यूज की है। गुड न्यूज ये है कि कौन तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठाए। हम इस चीज का प्रचार करते, ठीक है जो लोग करते हैं उनकी क्या है, पर किसी का नाम लेकर क्या नहीं करते हम। समझ आ रही है? कितनी मेरी बात समझ रहे? तो इसलिए मैं जानता हूं कि विरोध, बाइबल में लिखा विरोध करने वालों के परमेश्वर बेमुख हैं।
बोलो क्या विरोध करने वालों के परमेश्वर बेमुख है, बेमुख। तो मैं ऐसी चीज करके श्रापित नहीं होऊंगा। कई लोग बुराई करके क्या करके बोलो, क्योंकि जब आप तुम बुराई चुगली करते हो तो तुम्हें कौन देख रहा है, और तुम ऐसी चीजें करके श्रापित होते हो। क्या होते बोलो, ऐसी चीजें करके श्रापित होते हो। तो ऐसे कभी मत करना। इसलिए आज से जो वचन खुदा ने दिया है उसमें, उसके ज्ञान में, उसके प्रेम में अपने विश्वास से बढ़ना है, क्योंकि उसी ज्ञान से, उसी विश्वास से, उसी प्रेम से परमेश्वर बड़े कामों को प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं बढ़ने के लिए उसके वचन और प्रेम, उसके ज्ञान में, उसके विश्वास में? तैयार हो आज से, क्योंकि जब ज्ञान होता है, इसलिए आपने सुना था पिछले दिनों में परमेश्वर ने कहा मनुष्य का ज्ञान रहता रहना अच्छा नहीं, मनुष्य का ज्ञान रहता रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो लिखा वो पटक जाएगा, वो कुराहे पै जाएगा, वो फिर पाप नहीं करेगा। अगर ज्ञान नहीं है तो वो पाप भी करेगा, सब चीजें करेगा। कल ना एक जो नाई होता है दाढ़ी मुझसे बनाने वाला, तो हमारे घर के पास वो घर में ही आता है हमारे, तो हमारे घर की एक बिजली का खंबा बिल्कुल मेरे घर के कोने के पास है, तो वो देखकर कहता ये तो बड़ा पास है, आप तो कुंडी लगा लिया करो। क्या लगा लिया करो बोलो? मैंने कहा भाई साढ़े खुदामंद परमेश्वर के वचन च लिखा चोरी करना क्या है। देखो जब तुम डर रखोगे परमेश्वर का, तुम गलत चीजें नहीं करोगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर बना रहेगा। क्या रहेगा बोलो? खुदामंद का अनुग्रह बना रहेगा। कोई बात नहीं है, सरकार ने कितने जुर्म माफ कर दिए, तुम परमेश्वर के साथ अच्छा बनो। बोलो क्या तुम्हारे पास नहीं है तो परमेश्वर फिर भी तुम्हारा बिल जीरो भी आ जाएगा, जितना तुम दे सकते उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, पर खुदा के साथ वफादारी कर देखो। क्या देखो? खुदा के साथ वफादारी कर देखो। कितने लोग तैयार हैं उसके साथ, उसकी सब आज्ञाओं को मानने के लिए, बढ़ने के लिए तैयार हो? क्योंकि वो तैयार है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस करते हुए धन्यवाद करो और मनन करो आज के वचन के लिए, मनन करो आज के वचन के लिए, मनन करो। हो सकता है कल को शैतान किसी को इस्तेमाल करे, यहां से वहां से उसे उखाड़े और वो बुराई करे, हो सकता है, पर परमेश्वर उससे पहले ही आपको सिखाता है। इसलिए आज मनन करो कि परमेश्वर कभी भी मेरे जीवन से ऐसा ना हो, कभी भी मेरे जीवन से ऐसा ना हो। धन्यवाद करो उस खुदाबंद का कि कभी भी ऐसे ना हो, कभी भी परमेश्वर तेरे प्रति, तेरे दास के प्रति मेरा मन, अगर किसी का है तो अपने मन को शांत कराओ। मैंने कहा किसी का अगर मन है तो अपने मन को शांत कराओ, क्योंकि लिखा शांत मन तन का जीवन है, शांत मन तन का जीवन है, और लिखा शुद्ध मन एक अच्छी औषधि है। औषधि का मतलब एक मेडिसिन की तरह वो फिर काम करता है, वो आपका अच्छा मन। इसलिए मनन करो आज से मनन करो कि परमेश्वर इन बातों में मैं कहीं फंस ना जाऊं, कहीं मैं भटक ना जाऊं। और आज से जितने लोग उसकी रिस्पेक्ट आदर करेंगे, अपने मन को खराब नहीं करेंगे, किसी बात को लेकर गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि लिखा जिससे ये हवा प्रेम करता है उसे वो कोड़े भी मारता है। अगर लिखा तुम उस ताड़ना के बागी नहीं हुए तो तुम व्यभिचार के संतान ठहरे हो, तुम व्यभिचार के संतान ठहरोगे। आज से जितने लोग अपने मन को अच्छा करेंगे, मैं प्रोफेसी करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, खुदावंद आस उन्हें स्वर्ग से छुएगा और हील करेगा और आजाद करेगा।
अगर आमीन ऊंचा है तो मैंने कहा ये आज होगा, क्योंकि हमारा कनेक्शन मन से, इसलिए कहा शुद्ध मन तन का जीवन है, शांत मन तन का जीवन है। इसलिए दाऊद क्यों इतना सफल राजा बना था, क्योंकि वो अपने मन को शांत कराता था, चुप कराता था। जिस राजा ने उसे कितनी बार मारना चाहा, जबकि एक बार उसने अपना उसे कहा कि अगर तू पलिस्तियों की इतनी खलड़ियां उनकी हड्डियों को लेकर मार कर लेकर आएगा तो मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ कर दूंगा। एक बार तो उसने जब ऐसा काम किया तो बाइबल कहती उसने मना कर दिया, कहता है एक बार तू और जाएगा मैं अब की बार जरूर कर दूंगा। जब उसकी शादी भी हो गई, क्या होगी, उसका दामाद भी बन गया, क्योंकि ईर्ष्या जलन रखनी किसी के प्रति ये इतनी खतरनाक है, ये इतनी घातक है। मैंने कहा ये इतनी घातक है, उसका दामाद होने के बावजूद भी उसे पता था ये मेरा दामाद है, अगर ये मर गया तो मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। पर पाप एक ईर्ष्या, एक नफरत किसी के प्रति एक ऐसी चीज है वो उसकी बुद्धि को बंद कर देती है। मैंने कहा उसकी बुद्धि को बंद करती थी, उसकी बुद्धि पाप ने बंद कर दी थी, क्योंकि उसने पहले परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था और लिखा परमेश्वर के जाजकों की उनकी स्त्रियों को बच्चों को मारा था। पर दाऊद ने ऐसा कोई काम नहीं किया, इसलिए वो जानता था कि जो यहोवा का अभिषिक्त है, परमेश्वर का मसा किया हुआ एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया है। इसलिए यीशु मसीह ने क्यों कहा था, जो मेरे छोटे से छोटे दास को एक पानी का गिलास भी पिलाए उसका आदर स्वर्ग में लिखा जाएगा। तो धन्यवाद करो उस खुदाबंद का, मैंने कहा उसका धन्यवाद करो उस परमेश्वर का, धन्यवाद करो उस परमेश्वर का कि आज से मैंने ऐसा बनना है। धन्यवाद करो उस खुदाबंद का। इसलिए दाऊद शाऊल क्यों सफल राजा बना, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर के अभिषेक हाथ को उठाना, उसके प्रति कुछ करना बहुत बड़ा पाप है, गलत चीज है। पर जो लोग शरीर में होते हैं तो वो दासों के प्रति, लोगों के प्रति कुछ भी बोलते हैं। यहां पे भी यहां से कुछ लोग गए तो उन्होंने मेरे प्रति बड़ा कुछ बोला, पर मैंने उनके लिए प्रार्थना की। इसलिए जितना आज से तुम ऐसे तुम दाऊद के जैसे बनोगे, तुम उतना ही बढ़ोगे और तुम उतना ही आशीष होगे, उतनी तुम जीवन की आशीष, अपने सब दुखों से छुटकारा पाओ। धन्यवाद करो कि निश्चय खुदा मेरा मन आप ऐसा बना चुके हो, निश्चय समन बना चुके यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया।